वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल बटन के, जो कि मारुति सुजुकी के लिए हम आज बात करेंगे। मारुति सुजुकी में जो स्टीयरिंग बटन आते हैं कंपनी की तरफ से, वो क्या होता है, जब हम आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगाते हैं तो वो वर्क नहीं करते। तो कुछ कस्टमर का मेरे पास कॉल भी आया, कुछ कमेंट्स भी आए, तो मैंने कहा चलिए आज मैं बताता हूँ कि वो क्यों काम नहीं करते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो एंड तक देखें। तो गाइज, ये है एक आफ्टर मार्केट स्टीरियो के लिए मेल फीमेल कपलर। आप देख सकते हैं ये मेल फीमेल कपलर है, और इसको अगर हम लगाते हैं तो गारंटेड आपके गाड़ी के स्टीयरिंग बटन काम करेंगे। अगर आपकी गाड़ी मारुति सुजुकी है तो उसमें कोई भी मॉडल हो, स्विफ्ट हो या डिज़ायर हो, बैगनार हो, सिलेरियो हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें ये काम करता है। ये यूनिवर्सल ओनली मारुति सुजुकी के लिए आता है। कीमत इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 200 समथिंग होती है। अगर ऑनलाइन आप लेंगे तो हो सकता है और भी आपको ये सस्ता मिल जाए। तो इसकी पूरी वायरिंग मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे कनेक्ट होकर आपके गाड़ी के स्टीयरिंग बटन जो होते हैं वो काम करने लगते हैं, सिर्फ एक छोटे से कपलर लगाने से। क्योंकि जब भी हम आफ्टर मार्केट स्टीरियो लेते हैं गाइस, तो उसमें जो वायरिंग होती है वो बहुत कम होती है। जो स्टीयरिंग बटन का कपलर होता है मैन, वो आपका काम नहीं करता है। और इसको लगाने से इसमें वो वायर होता है जिससे कि आपकी ओरिजिनल वायर इससे कनेक्ट हो जाती है विदाउट किसी वायरिंग कट के हुए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं इसकी प्रॉपर एक एक वायरिंग, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैन कपलर आप देखेंगे, इसमें पूरा प्रॉपर इसमें पिन दिए गए हैं। उसमें पिन है 4 और 4 8 तो 10 और 12। इसमें 12 पिन हैं। अब इसमें जो 12 पिन हैं वो किस किस वायर, कौन कौन सा वायर है इसमें, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए, जो आपके सिमिलर कलर हैं, जैसे कि आपका ये देखिए एक दो सेम कलर के वायर हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये दो वाइट जो हैं, ये देखिए, एक तो ये आपका ये वाले वायर जो सेम कलर के हैं, ये और ये वायर जो होते हैं गाइस, ये होते हैं स्पीकर के वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सेम कलर के हैं और ये लगभग एक ही जगह इनके स्विच होते हैं। आप देखिए, एक ही जगह ये 8 वायर हैं, जो कि दो दो करके एक एक पेयर करके हैं और सेम कलर होता है इनका। ये गाइस होते हैं स्पीकर के लिए, आपका जो फ्रंट स्पीकर होंगे और जो रियर स्पीकर होंगे उनके लिए। और गाइस, आपको एक वायर इसमें रेड दिख रहा होगा, ये होता है मैन पावर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं प्लस। और ये जो ब्लैक और आपका ये जो ब्लैक वायर है, ये होता है आपका माइनस। और ये जो होता है, ये होता है रिमोट वायर, ये आपको रेड के साथ ही कनेक्ट होगी। ये चूंकि इसमें पूरा प्रॉपर इसमें स्विच दिए गए हैं, तो ये जैसे ही आप अपनी गाड़ी के मेन स्विच में लगाएंगे, मेल से इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये फीमेल है, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका प्रॉपर स्टीरियो स्टार्ट हो जाएगा और वर्किंग करने लगेगा। और अगर आपके स्टीरियो में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का फंक्शन है तो ही ये काम करेगा। आप जब स्टीरियो लें तो एक बार प्लीज़ पूछ लें कि स्टीरियो में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो वायर होता है, मोस्टली ये जो वायर होता है, ये होता है आपका स्टीयरिंग बटन का काम करने का एक सिंगल वायर होता है, जो कि आपका प्रॉपर काम करता है विदाउट किसी वायर कट किए हुए। क्योंकि जो आपका फीमेल वायर है, जो फीमेल कपलर है आपका, वो कनेक्ट हो जाता है आपकी गाड़ी के मेल कपलर से। जो गाड़ी का मेल कपलर होता है, आपने देखा जो कोई गाड़ी खरीदते हैं उसमें जो कपलर लगा होता है, वो होता है मेल और ये होता है फीमेल। तो इससे जब कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर वायरिंग अटैच हो जाती है बिना किसी वायर को कट किए, और फिर आप अपने स्टीयरिंग व्हील बटन को मैच कर दो उससे। मैं उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे उसको मैच करते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, वायरिंग के बाद कैसे उसको मैच करते हैं। तो गाइज, ये था मारुति सुजुकी के लिए, जो आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगाते हैं उनके लिए, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिससे कि आपको वायरिंग कट नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको इंटरफेस लगाना पड़ेगा, जो कि 1300-1400 रुपये का मार्केट में मिलता है और भी महंगा मिलता है। तो इसको लगाने से आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग बटन प्रॉपर काम करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।